अब तक आपने देखा कैसे मैं अपने मम्मी के खुशियों के खातिर कर रहा हूँ ट्रिपल रोल, पर मेरे पापा के बचपन के फ्रेंड शम्मी अंकल तीनों बेटियों का रिश्ता ले आए। तो बोलती पता है इन तीनों में से तुझे कौन सी कुड़ी पसंद है? मैं विवाह के लिए नहीं तैयार हूँ। माते माते, अच्छा ठीक है मैं विवाह करूंगा। मैं इन सबको हैंडल कर ही रहा था कि एक और मुसीबत आ गई। बाबा भोकाल। बालक, तुम किशन हो आखिरी वाले? हाँ, बाकी दोनों भाई बाहर गए हुए हैं, आते होंगे थोड़ी देर में। इस कुंडली के अनुसार वो दोनों इस दुनिया में उपस्थित ही नहीं है, तो वो वापस कैसे आएंगे? क्या अनाप शनाप बक रहे हैं? कोई बात नहीं मम्मी, कंट्रोल कंट्रोल, संभालो अपने आप को। हाँ बाबा जी, अब ये क्या कह रहे हैं? हम खुश शंकर जी से मिले, उन्होंने हमें वो मूंग की दाल के पकौड़े चूसने वाली तितली भी दिखाई थी। हाँ बाबा जी, और हम भी मिले जय जी से, और मैंने तो उनको मेरा ये इटालियन ब्रांड वाला जकुची का बैग भी दिखाया था। असंभव। क्या? अरे बाबा जी, ये असली है, ऐसे कैसे बोल रहे? देखिए यहाँ पे लिखा भी है, देखिए जकुची। अरे चुप रहो दीदी, इधर बंदे होने ना होने पर शंका हो रही, और आपको अपने बैग की पड़ी, आ जाओ इधर। ये शंका नहीं, हम यकीन से कह रहे हैं, जब वो दोनों इस पृथ्वी लोक पर है ही नहीं तो कैसे आएंगे? अगर हैं तो हमसे मिलवाइए। पुत्र ये क्या उठपटांग बातें कर रहे हैं? एक काम कर, तू शंकर पुत्र को वीडियो वाली कॉल लगा, मैं जय पुत्र को लगाती हूँ। अबे ये पनौती बाबा भांडा फोड़ के मानेगा? मम्मी आप किसके बातों पे विश्वास कर रहे हो? आपने देखा था ना, दोनों यहीं पर तो थे। अरे मैं तो मानती हूँ बेटा, मुझे इनको दिखाना है। लगा, छोड़ो यार, छोड़ो यार, क्यों करना है? ला ला। जय की घंटी बज रही है, उठा क्यों नहीं रहा है? ये घूंघू की आवाज कहाँ से आ रही है? शंकर पुत्र की भी घंटी बज रही है। एक और घूंघू की आवाज, अब ये कहाँ से आ रही है? एक मेरे दिल से आ रही है, दूसरी मेरे लिवर से आ रही है। घूंघू की आवाज, बैठ जा। मम्मी छाड़ यार, बस बहुत हो गया, मुझे ऐसे लोगों से बात ही नहीं करनी है। जहाँ पर मेरे भाई के होने ना होने पे एक आदमी शक कर रहा हो और सब लोग बैठ के तमाचा देख रहे हो, हम यहाँ से निकल जाए। किशन पुत्र है, सुन मेरी बात। बाबा जी माफी 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 माफी। एक मिनट, मैं अभी जय पुत्र को कॉल लगा के आपको दिखाती हूँ वीडियो कॉल कि मेरा जय पुत्र है। हाँ मम्मी, बोलो क्या हुआ? अरे जय जी, आप देखिए हमारा जय जी है, पृथ्वी लोक पर ही है, देखिए। कहना क्या चाहती हो? मैं तो रुचक्का पकड़ने के लिए जुपिटर पे ना चढ़ जाऊं, मैं मंगल पे चला जाऊं, कहां चला जाऊं? अरे बेटा जरा संभाल के, गोलियों की आवाज आ रही है। जानता हूं ना, मैं बहुत ही खतरनाक चोर का पीछा कर रहा हूं। ओए उचक्के, एक सेकंड टाइम प्लीज, मैं अपनी मम्मी से बात कर रहा हूं। जब तक ये ना सूखे तब तक गोली ना चढ़ाना। एक सेकंड मम्मी। बोलो मम्मी। जिंदा रहे पुत्र, मैंने ना तेरे किसी से मिलवाना है, एक मिनट दे दे बस मुझे। हाँ तू देख लो बाबा जी, सड़क जाए पुत्र। ये तो हू बहू किशन जैसा लगता है, ये जीवित कैसे हो सकता है? असंभव। अरे भोकाल महाराज की जय, मेरी पूर्ण बाबा जी। जो जिंदा हो ही नहीं सकता उसे जीते रहने का आशीर्वाद कैसे दें? कल्याण हो। एक मिनट जीजा जी, जय जीजा जी, ये बाबा ये देखने से लग रहे, लेकिन ये भोकाल बाबा ये कैसे पता आपको? तंबू अटप साले, मैंने इतने बार नहीं तुझे बताया हुआ कि मैं उड़ती चिड़िया के पर गिड़ लेता हूँ? तो कौन से बाबा है, उनका नाम क्या है बताना, कौन से खेत की मूली है? एक मिनट हो गया, माँ से बात हो गई हो तो चलाऊं गोली? ठीक है मम्मी, जरा सा वो इंपेशेंट हो रहा, मैं उसका पीछा कर रहा, अब मेरा फर्ज मुझे बुला रहा, मैं कट कर रहा फोन।
हाँ जय पुत्र, संभाल के हाँ, अपना ख्याल रखना। ओके बाय। अब देखिए, मैं मेरे बड़े पुत्र शंकर को फोन लगाती हूँ। प्रणाम माते, आशीर्वाद। कैसे स्मरण किया हमारा? मेरे वाले हैं। है ना, बताया था ना मैंने। अवश्य है। हम ही नहीं, हमारे साथ निर्मला भी है। निर्मला वो ना? पुत्र, मैंनू ना तेनू किसी से मिलवाना है। एक मिनट हाँ। देखिए जी, मेरा बड़ा पुत्र शंकर। असंभव, ये भी हूबहू किशन की तरह दिखता है और ये भी जीवित है। हमारी कुंडली गलत कैसे साबित हो सकती है? एक मिनट जीजा जी। और जीजा जी, निर्मला कहीं फ्रेम में दिखाई नहीं दे रही? अवश्य दिखेगी पिंचू। एक मिनट निर्मले, यहाँ आओ। बाबा, निर्मला आपको प्रणाम कर रही है। निर्मला जाओ, बैठ एक सेकंड। अच्छा माते, अब मैं चलता हूँ। हम निर्मला का उपचार करके शीघ्र ही घर आते हैं। प्रणाम। ठीक, अपना ख्याल रखना। हाँ, अरे यार, तू ये भैंस की टांग बनाने के लिए मैं ही मिला था क्या? ओए, तो भगवान ने जिस असली रूप में भेजा हुआ है उसमें आ भी जाया कर, कभी चुगाली किया कर, दूध दिया कर, हैं? बिना मतलब इंसान बना फिरता है यहाँ वहाँ पे। ओ समझ जा, इंसान ही हूँ मैं, तो मारूंगा दुलत्ती। आइंस्टीन दे पुत्र, दुलत्ती गधा मारता है, भैंस नहीं। खच्चर। अब तो आपको यकीन हो गया भोपाल बाबा? ओ पिचाई जी, भोपाल नहीं, भोकाल नाथ जी। अरे कोई भी काल हो या पाल हो, मेरे बेटे के होने पे कोई शक नहीं करेगा, ठीक है? हाँ? बाबा जी, एक सटीक सा मुहूर्त निकाल के बता दीजिए हमें। वैसे तो एक मुहूर्त है अगले हफ्ते की 16 तारीख का, लेकिन ये अति शीघ्र नहीं हो जाएगा? ओ बाबा जी, शीघ्र अति शीघ्र चाहिए, बस ये डेट लॉक कर दो, लॉक कर दो। जाए जी, मुबारक हो जी आपको भी। तो अड़ी तीन मुंडे ते मेरी तीन कुड़िया सेट हो गए जी, तालियां। किशन, किशन पुत्र किथे गया तू? अरे तेरी शादी पक्की हो गई है। शादी पक्की? खैर कुछ महीने तो होंगे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगली 16 तारीख को तू दूल्हा बनेगा। दूल्हा? भाकर धन्यवाद बाबा जी, बस आशीर्वाद दीजिए कि ये शादी ना सुख शांति और समृद्धि से हो जी। आशीर्वाद दूसरे वाले शमी कपूर, चल फोन कट कर। नहीं नहीं, एक मिनट बोलो, बाबा भोकाल नाथ जी की जय। धन्यवाद बाबा जी। बाबा जी, हाँ? कॉल थोड़ी छोटी किया करें, यहाँ बर्फ खत्म हो गई थी। अरे बर्फ खत्म हो गई है तो आंधी चला दिया करो, ये बड़े बड़े पंखे क्यों लगवाए? बाबा जी, आप कितने महान ज्ञानी हैं, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। बाबा जी, किंतु आप ये बर्फ बर्फ पंखे इत्यादि का ढोंग क्यों रचते हैं? आजकल जो दिखता है वो बिकता है। मैं जीन्स और टी शर्ट पहनकर एसी रूम में बैठकर कुंडली देख सकता हूँ, पर मानेगा कौन? प्रेजेंटेशन नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? वाह, सत्य वचन प्रभु। बाबा जी, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन आज हमारी विद्या को गहरी चोट लगी है, वो दोनों बालक जीवित हो ही नहीं सकते। हमारी विद्या कभी गलत हो ही नहीं सकती, अवश्य वहां कोई प्रकांड पाखंडी खेल रच रहा है। लेकिन हम अपना सच साबित करके रहेंगे, अमेरिका हो या
हो बार, यहाँ भक्त शाण पट्टी करे वहां हो भोकार। इतना पैदल चलने से अगर दिमाग चलता ना तो सारे ठेले वाले साइंटिस्ट होते। एक सेकेंड, तीन बेटे तक तो झेल गया लेकिन तीन पति, तीन बेटे प्लस तीन पति, 3 in 1 से 6 in 1 कैसे करूंगा मैं? सर फट रहा मेरा, सर फट रहा। बस कर, बस कर पगले बस। अरे इतना सोचेगा तो तेरा सर सच में फट जाएगा, और तेरा सर फटेगा तो सोच कितनी गंदगी निकलेगी उसमें से। देख मुझसे ना ये तेरी हालत देखी नहीं जाती, क्या करूं? एक आइडिया, ये ले खेंच। क्या है ये? ये पत्नियों से परेशान पतियों के लिए अमृत है, लेकिन अफसोस इसकी जरूरत तुझे शादी से पहले ही पड़ गई। आ पूरा खींचा या। मैं तो बर्बाद हो गया, मेरी लुटिया डूब गई। मैं वैसा कुत्ता हो गया हूं जो ना घर का है ना घाट का। आइडिया बब्बर, यू आर जब्बर। अरे अब क्या सोच लिया आइंस्टाइन की तुमने? अरे ऐसा सोच लिया कि जैसा आज तक किसी ने सोचा ही नहीं होगा। तेरी जिंदगी बदल जाएगी एकदम। अरे मेरे पैर धो के पिएगा तो नाम जपेगा, सोच तेरी लाइफ ना एकदम चेंज ही हो जानी है। मेरा तो मन कर रहा है जूता लूं उतार और मारूं तुझे एक, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे गुस्सा ही नहीं आ रहा। अरे आइडिया बताया। ओह काला, अब मैं उन तीन लड़कियों को नहीं छोड़ूंगा। अरे पहले डिसाइड कर ले उन लड़कियों को छोड़ेगा कि पकड़ेगा। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, वो मुझे छोड़ेंगी। ट्विंकल जी से शुरू करें। हाँ। अरे शंकर जी। नमस्कार ट्विंकल जी। मैं आप शादी का लड्डू भी नहीं चखा। वैसे अच्छा हुआ जो नहीं चखा, शादी का लड्डू इतना टेस्टी था, इतना टेस्टी था कि एक लड्डू खाने के बाद दूसरा लड्डू खाने का मन तो जरूर करता। मैं अगर आप ज्यादा मीठा खा लेते तो शुगर लेवल बढ़ जाता तो आपको डायबिटीज हो जाती। अब जरा सोचिए, शादी का लड्डू खाने के बाद आपको डायबिटीज हो जाती तो? देखिए ट्विंकल जी, अब आपकी बातों में ही इतनी मिठास है कि आपके बातें सुनकर किसी भी इंसान को मधुमेह हो जाए। डायबिटीज को हिंदी में मधुमेह बोलने से बीमारी जैसे नहीं साउंड करता ना, ऐसा लगता है जैसे कुछ बहुत ही बढ़िया हुआ है। मैडम पड़जी, बड़ी प्यारी बातें करती हैं आप। आप ना रहने दीजिए जय जी, मस्का मत मारिए, मैं बहुत नाराज हूँ आपसे। कहाँ गायब हो गए थे आप? मेरी तरफ से बहुत सारी सॉरियां हैं आपको। कोई बात नहीं किशन जी, आपको अपने भाइयों की तरफ से सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं कुछ नहीं कहता। देखा मैं चेक कर रही थी। अरे आपके भाई हैं, आप सॉरी नहीं बोलेंगे तो बगल वाला पड़ोसी सॉरी बोलेगा। ओके सिंपल, आई एम वेरी वेरी सॉरी। क्या फायदा, बोलने के बाद सॉरी बोलो तो क्या कद्दू सॉरी बोला? वैसे सिंपल, मैं तुमको मिस बड़ा कर रहा था, मिलने का मन था, हम मिल सकते हैं? हाँ जी पक्का। हाँ हो गया काम, बस सेट हो जाए बस। जैसे मैंने कहा वैसा ही कर, विजयी भव। यस मुझे तो लज्जा आ रही है। मैं तो ना इसलिए घर से जब भी निकलती हूँ ना फ्रेश होके निकलती हूँ, बाहर आने के बाद तो लज्जा ही आती है। अर्थात जोर से आ रही है कि कंट्रोल कर सकते हो? क्योंकि अगर कंट्रोल नहीं कर सकते तो लज्जा तो आएगी ही। कैसी बातें कर रही हैं आप? दरअसल हमें आपसे अति आवश्यक वार्तालाप करनी थी। विवाह से पहले मैं चाहता हूँ मैं अपने जीवन के 3 मुख्य हादसों के बारे में आपको बता दूं। हादसे? जी हादसे। मेरे जीवन का पहला हादसा टीना।
मेरे विद्यालय में पढ़ती थी टीना, जिसने मुश्किल कर दिया था हर नौजवान का जीना, जिसके चक्कर में हर लड़के ने शुरू कर दिया था मदिरा पीना। मैंने भी उसके पीछे भागा बहुत पसीना, लेकिन वो किसी के हाथ लगी ना, प्रोफेसर चौरसिया के साथ भाग गई वो हसीना, उसके बाद कभी किसी को दिखी ना। उस हादसे से मैं उबरा भी नहीं था कि मेरे जीवन का दूसरा हादसा मेरे समक्ष आया, मीना। मीना जी, मीना। मीना मेरे विश्वविद्यालय में पढ़ती थी, उसे मुझसे प्रेम था, लेकिन मुझे उससे कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। उसने मुझसे चूहे मारने का जहर मांगा, मैंने उसे दे दिया। उसने चूहे मारने का जहर इस कदर खाया कि सीधे परमेश्वर को प्यारी हो गई। इस हादसे से मैं उबरा ही था कि मेरे जीवन का तीसरा हादसा मेरे समक्ष आया, शीना। शीना जी, शीना। शीना मेरे चिकित्सालय में अपने कुत्ते को लेकर आई थी। बड़ा प्यारा कुत्ता था, उसे हृदय की बीमारी थी, लेकिन यहाँ हमारे दिल मिल गए। मुझे वो भाग गई, उसे मैं भाग गया, लेकिन हमारे प्रेम को उसका कुत्ता खा गया। कुत्ते की चिकित्सा करते करते मुझे पता चला कि मेरा दूरभाष यंत्र उसके पेट में रह गया है। जब उस मोबाइल फोन पर आखिरी मिस्ड कॉल आया, वो कुत्ते की जिंदगी का आखिरी मिस्ड कॉल था। कुत्ता परमेश्वर को प्यारा हो गया, शीना ने मुझसे सारे रिश्ते नाते सब तोड़ लिए। यह हृदय छलनी छलनी हो चुका है ट्विंकल जी, मैं चाह कर भी आपसे विवाह नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। आप कुछ कहेंगी नहीं ट्विंकल जी? शंकर जी, आप ठीक कह रहे हैं। शायद हमारा एक होना लिखा ही नहीं है, शायद हमें ये शादी करनी ही नहीं चाहिए, शायद हमें ये रिश्ता तोड़ देना चाहिए, शायद। अच्छा आप आगे जा रही हो, अपने शायद के घोड़े लगाम दो। गेंडे, गेंडे, घोड़े की बातें क्यों कर रहे हो? दीदी जो कह रही है उन्हें कह लेने तो। हाँ तो क्या कह रही थी दीदी आप? पिंचू, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं प्री वेडिंग वीडियो बना रहा था, पर बंदे बंदे लगते प्री डाइवोर्स वीडियो बन रहा है, ये की कर रहे हो तुसी? पिंचू, शंकर जी ठीक कह रहे हैं कि अभी तक अपने पुराने हाथों से नहीं उभरे, तो फिर ऐसे में नए रिश्ते कैसे बनाएंगे? अरे तो तुसी कौन से उभर गए, तुम्हारे भी तो तीन दिन आचे। नकुल मुकुल दे बकुल। क्या बात कर रहे? हाँ हाँ जी, हाँ जी, बड़े तीन जख्म थे, दीदी दे भी तीन जख्म। नकुल का दिमाग खिसक गया, बकुल पलट गया, और मुकुल का तो पूछो ही मत, मुकुल तो टाइम पे टपक ही गया। हाँ, दोनों तो मेड फॉर ईच अदर, और ये मेड फॉर ईच अदर, दोनों नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाना है। अबे हाँ पिंचू, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, हम दोनों का दर्द भला हम दोनों से बेहतर और कौन समझ सकता है? तो सोचा नहीं तो है ये यंग फिट मैन जी। चलो इसी बात में जब भी भाव जी, गले मिलो जी। नहीं नहीं ठीक है, कोई बात। अरे गले मिलो यार, मैं फोटो लेता हूँ। नहीं तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ किया। क्यों क्यों क्यों? तो जीजा जी स्माइल। दूल्हे के दोस्तों का नाच देखकर घोड़ी बिदकी, दुल्हन ने किया घोड़ी वाले से विवाह। ये कौन सी घोड़ी की बिदकने की बात कर रहे हैं ससुर? अरे ससुर, अब ये कौन सी घोड़ी से गिर पड़ा? अरे शंकर बाबू, ऐसे क्यों झड़े झड़े चल रहे हो? अरे भाई तुम्हारी तो शादी तय हुई है, अबे तुम्हें तो खुश होना चाहिए जी। अरे तुम्हारी शादी से ना तुम जैसे कितने बसूरत लड़कों की उम्मीदें टाइट हो गई हैं। ससुर तुमको तो पता ही नहीं, बड़ी इंस्पिरेशन स्टोरी है तुम्हारी। भाई अब तो मिठाई खिलाओ यार। श्रीमान गुप्ता जी, विवाह सिर्फ मेरा नहीं, जय भैया का भी तय हुआ है। आप उससे मिठाई मांग लीजिए, वो आके ठूस देगा आपके मुंह में। अरे यार ये इतना मुंह सड़ाए हुए क्यों चला जा रहा है ससुर? पिंचू मेरे जिंदगी का शनि बन गया है, हवे का गुब्बारा। यार अच्छा खासा काम सेट हो रहा था, बीच में आके बिगाड़ दिया यार,
पूरा रायता फैला दिया उसने। अरे कोई बात नहीं मेरे दोस्त, दिल छोटा मत कर, एंजॉय, क्योंकि मेरे दिमाग के तरकश में अभी आइडिया के तीर खत्म नहीं हुए हैं। अभी शंकर हारा है ना, जय नहीं हारा है। एक नहीं भड़की तो दूसरी को भड़काओ, तीसरी को भड़काओ। अरे तीनों में से अगर एक भी भड़क गई ना तो ये शादी कैंसिल हो जानी है, बिकॉज ये पैकेज डील है। यार बात तो तू एकदम सही कह रहा है। अरे बात तो मैं हमेशा ही सही कहता हूँ, तू तो बस मेरा आशीर्वाद ले और विजयी भव जा। यस चल किशन बेटा शुरू हो जा, शराबी की ऐसी एक्टिंग कर कि बेवड़ा समझ के शादी तोड़ दे। निज पान की दुकान ऊपर गोरे का मकान। आज तो बहुत कम शॉपिंग की है मैंने। मेरा ही मकान ऊपर पान की। मैंने गटर में गिर जाना इसे फर्क नहीं पड़ रहा, क्या करूं? रॉक डिंपल। अरे जय जी आप, अच्छा आप मिलके। मुझे ना अपनी शॉपिंग किसी को दिखाने का बड़ा मन कर रहा था। देखो कितनी अच्छी शॉपिंग की मैंने, थैले थे, इस थैलों में ना मेरी सारी खुशियां सिमटी हुई है। रब पगड़ी, खुशियां थैलों में नहीं सिमटी थी, खुशियां तो पौओ में, अड्डों में, बोतलों में सिमटी हुई आती है। अरे हाँ तो बॉटल्स भी तो लाई हूँ ना मैं, खुशबूदार परफ्यूम की बॉटल, मैं दिखाती हूँ आपको। शॉपिंग की अंधी को और कुछ दिख ही नहीं रहा है यहाँ पर, कुछ बड़ा करना पड़ेगा। क्या क्या करूँ क्या करूँ? जेस कितनी प्रिटी है ना। अब कहाँ जा रही हो डिंपल? हाउ डेयर यू इडियट। थैंक यू। अजाने क्या बदतमीजी है ये। डिंपल वो नहीं, डिंपल मैं हूँ। ऐसे कैसे उसका हाथ पकड़ लिया आपने? अरे डिंपल तुम यहाँ हो, एक बार जब शराब का सुरूर मेरे सर पर चढ़ जाता है तो पता ही नहीं चलता है डिंपल कहाँ है, पिंपल कहाँ है। आप ड्रिंक भी करते हो? ड्रिंक भी कीजिए का क्या मतलब? पियोगा नहीं तो जियोगा कैसे? मैं तो वो मछली हूँ जो पानी के अंदर नहीं शराब के अंदर तैरती है। मछली से याद है भाई, चकना ले मजा आ जाए। What nonsense? आपको शर्म नहीं आती मुझसे चकना मंगवाते हुए? ऐसे बेवड़े आदमी के साथ तुम्हें? तुम्हें क्या बोल के दिखा? बेवड़े आदमी के साथ मैं कभी शादी नहीं करूंगी। Yes! ओ जिज्जा जी, तुझसे दिल छोटा ना करो, करेगी शादी जरूर करेगी। दीदी ने कह दिया शादी नहीं कर सकती वो, तो तू अपना हवन कुंड लेके क्यों आया यहाँ पे? ओ जीजा जी, मैंने रिलेशनशिप्स का रक्षक समझ लो। ओ दीदी इत्थे आओ, तुसी भी यार क्या करते हो? ये देखो, आपको दिख रहा नहीं कितने बड़े आशिक है, कितना प्यार करती है आपसे। इनकी आशिकी ना आउट ऑफ कंट्रोल जाए, राह चलते किसी भी लड़की का हाथ पकड़ लेते हैं ये। दीदी आपने ये देखा इन्होंने शराब पी, पर आपने ये नहीं देखा इन्होंने शराब पीने के बाद भी सिर्फ आप ही को देखा है। जरा सोचो, वो लड़की विमला, कमला, शिमला कोई भी हो सकती थी, पर ना जी ना, मेरे जीजा जी जो प्यार में पगला है उन हर लड़की में सिर्फ आप ही नजर आ रहे हो। अरे शराब की लत का क्या, शराब की लत तो आप शादी के बाद जीजा जी को जंजीर से बांध के यूं छुड़ा दोगे, पर दूजा इतना प्यार करने वाला बंदा कहाँ से लाओगे? दसो मैनू दसो। अरे हाँ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। सोचा नहीं तो है, ये यंग फिट मैन जी। चलो इसी बात पे जप्पी बाऊ जी, जप्पी बाऊ। कोई बात नहीं। अरे जप्पी बाऊ जी, जप्पी बाऊ आ जाओ। तो की जय जी, मैंने आपको माफ किया। और जिज्जा जी स्माइल। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।